जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करती थी। झाड़ू पोछा करके ही अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। लेकिन एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोली, माँ बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा बेटा, रुको अभी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना दे देती है और बच्चे खाकर स्कूल के लिए चले जाते हैं और टुनटुनी अपने काम पर चली जाती है। फिर एक दिन बोली, अपने अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। ठीक है माँ, हम जरूर मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलो कुछ खा पी लो, क्योंकि तुम्हें कल फिर स्कूल जाना होगा। ठीक है माँ। कुछ सालों बाद टुनटुनी की लड़कियां डॉक्टर बन जाती हैं और टुनटुनी का नाम रोशन करती हैं। टुनटुनी को बहुत गर्व था अपनी बेटियों पर। गर्व होता है? अरे बेटी, तुम दोनों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तुम दोनों ने जो कहा है वो करके दिखाया है। अरे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद था, इसीलिए हमने कर दिखाया है। टुनटुनी की दोनों बेटी टुनटुनी के साथ रहने लगी थी और खुशी खुशी अपना भरण पोषण करने लगी थी। इस तरह बच्चों, आप लोगों को माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना।